नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस का मास्टर प्लान। राजनीति के बारे में सब कुछ अनिश्चित होता है। इसमें एक रणनीति से आप कुछ जंग हारते हैं तो उसी रणनीति से कुछ लड़ाई फतेह भी करते हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी इसका अपवाद है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से कांग्रेस यहां नेतृत्व के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। ऐसे में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इस बार जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भरोसा जताया तो कांग्रेस को भी इस पर सहमति देनी पड़ी। हालांकि अशोक के साथ साथ कांग्रेस सचिन पायलट को भी लेकर चल रही है। वजह साफ है, अनुभव और युवा जोश। अशोक गहलोत के पास राजस्थान में शासन का अच्छा खासा अनुभव है, तो सचिन पायलट युवा वोटर्स को आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पूर्व सीएम अशोक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के लिए फील्डिंग कर रही है। बता दें कि राजस्थान में 7 दिसंबर को वोटिंग होनी है। कांग्रेस आलाकमान को ये लगने लगा है कि 5 राज्यों में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां पार्टी सोशल सेक्टर स्कीम और सूखा प्रबंधन के मुद्दों पर चुनाव जीत सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने इन पर काफी ज्यादा काम किए थे। यही वजह है कि सोनिया गांधी ने अशोक पर भरोसा जताया है। अशोक गहलोत 1998 से जोधपुर के सरदारपुर से विधायक रहे हैं। पहले ऐसी चर्चा थी कि वो इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के एक हिस्से की राय थी कि मध्य प्रदेश फॉर्मूले के तहत राजस्थान में भी इस बार वरिष्ठ नेताओं को आगे ना लाया जाए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को लगा कि राजस्थान में एमपी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता है। राजस्थान में चुनाव के मुद्दे एमपी के चुनावी मुद्दों से अलग हैं। इसीलिए शीर्ष नेतृत्व ने गहलोत के नाम आगे दिया है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने अशोक को सरदारपुर से चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया है। राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में अब तक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अशोक और सचिन पायलट में सीएम का चेहरा कौन है। चुनाव खत्म होने तक ये सस्पेंस बरकरार रहने वाला है। पार्टी के संगठन महासचिव और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को खुद और पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट के चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए प्रदेश की सियासत में फिर से हलचल पैदा कर दी है। गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पायलट टोंक से चुनावी मैदान में हैं। दरअसल अशोक और सचिन पायलट दोनों ही राजस्थान में कांग्रेस के कवादक और लोकप्रिय नेता हैं। दोनों ही नेता प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार भी हैं। ऐसे में दोनों दिग्गज नेताओं का विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला काफी ज्यादा अहम हो सकता है। प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ जिस तरह से लोगों के बीच असंतोष है, उससे कांग्रेस इस बार के चुनाव में पूरी तरह से भुनाने की तैयारी कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से वसुंधरा राजे पार्टी की नेता है, तो वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है कि प्रदेश में पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन जिस तरह से दोनों ही उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अशोक और पायलट दोनों ही मुख्यमंत्री पद की रेस में बराबरी से बने हुए हैं। पार्टी का कहना है कि अगर चुनाव में सभी समीकरण सही बैठे तो कांग्रेस की वापसी हुई, तो सीएम का ताज किसके सर सजेगा इसका फैसला नतीजे आने के तुरंत बाद कर दिया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो कांग्रेस में ही बराबर की टक्कर चल रही है, यहाँ पर क्या आगे हमें देखने को मिलता है। तो हम जल्द ही लौटेंगे इलेक्शन की लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।